हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन द क्लिनिकल ट्रायल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिक्स है क्या? एथिक्स आपकी वो गाइडलाइंस हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है जब भी हम कोई क्लिनिकल रिसर्च को कंडक्ट कर रहे होते हैं, चाहे वो रिसर्च आपकी प्रोस्पेक्टिव हो चाहे वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो। सो जो हमारे एथिक्स में जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स से रिलेटेड जो भी हमारी एथिकल गाइडलाइंस हैं, उनका एक सर्टेन ओरिजिनेशन है, यानी कि हिस्ट्री में ये एथिकल गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी क्यों, है ना? क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब कोई भी गाइडलाइंस नहीं थी क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड, तो किस तरीके से हमारी ये गाइडलाइंस एग्जिस्टेंस में आई, वही हम देखने जा रहे हैं। तो सो मेजर जो फोकस हमारा रहेगा इन लेक्चर्स की सीरीज में, वो किस पे रहेगा? हिस्ट्री पे, ठीक है? तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूरेम्बर्ग कोड। सो न्यूरेम्बर्ग कोड आपका क्या है, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया, क्या इसकी नीड थी और क्या इसके प्रिंसिपल्स थे, वो हमें आज डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद न्यूरेम्बर्ग कोड। सो न्यूरेम्बर्ग कोड, फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है कि ये कोड क्या है, जनरली प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ये पूरे 10 प्रिंसिपल इस कोड में प्रेजेंट हैं जिन्हें फॉलो करना होता है हमें जब भी हम क्लिनिकल रिसर्च को करते हैं, वो उस टाइम पे आया था, ठीक है? तो जो न्यूरेम्बर्ग कोड है उसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, तो हुआ क्या था कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका एक बहुत ही ब्रूटल और क्रूएल इंसिडेंट सामने आया था जो था नाजीज एक्सपेरिमेंट। तो ये नाजी एक्सपेरिमेंट है क्या, ठीक है? तो नाजी एक्सपेरिमेंट बेसिकली, ये एक्सपेरिमेंट नाजी इसलिए बोला बिकॉज जो इंडिविजुअल जो इस चीज को कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे, आपके डॉक्टर्स की पूरी टीम थी, आपकी 23 डॉक्टर्स थे जो इस चीज में इन्वॉल्व थे। इन्होंने क्या किया, जो आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोगों को प्रिजन में डाला गया था, जिसमें मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो आपकी ज्यूइश पॉपुलेशन थी, ठीक है? तो क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम पे आपका सबको प्रिजन में डाला गया और फिर प्रिजनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। नाजीज इसलिए बोला बिकॉज ये सारे जितने भी डॉक्टर्स थे, ये क्या करते थे, आपका एडोल्फ हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसको फॉलो करते थे। तो अकॉर्डिंग टू एडोल्फ हिटलर, ये बहुत कॉमन सी आपका फैक्ट है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो उसके हिसाब से क्या था कि जो प्योर रेस है उसी को आगे जाना चाहिए, है ना, और बाकी जो मिक्स रेस है उनका, उनकी कोई ऐसी एग्जिस्टेंस होनी ही नहीं चाहिए। तो उसने वही किया, उसने वो ज्यूइश पीपल को कुछ नहीं मानता था, तो उसने क्या किया, जो भी प्रिजनर्स जो ज्यूइश प्रिजनर्स थे आपके, रोमानियन थे, उनको क्या किया, उन पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उसने उनकी लाइफ की समझी ही नहीं, है ना। तो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हुए, ठीक है? जो एक्सपेरिमेंट हुए वो इतने ज्यादा ब्रूटल थे, इतने ज्यादा क्रूएल थे, आप उसके आप अगर आप के पास, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि किस टाइप की सिचुएशन हुई थी। आप प्रिजनर्स को ऐसी ऐसी एडवर्स सिचुएशन में रखा गया, लाइक अगर उन्हें आइस वाटर में डाल दिया, ठीक है, आप समझ सकते हैं, बर्फ के पानी में आप प्रिजनर्स को डाल रहे हैं, आप उन्हें लो प्रेशर कंडीशन में रख रहे हैं, कितना ज्यादा पेनफुल होगा, है ना। आपने कुछ भी केमिकल आपको एक्सपेरिमेंट करना है विदाउट सीइंग कि उसकी क्या प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो क्या क्या उसके साथ एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, आप डायरेक्टली उन प्रिजनर्स पे वो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। लाइक फॉस्फोरस आपका डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया बॉडी में, जिसकी वजह से बर्न हो गया, बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारी चीजें उस टाइम पे हो रही थी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे थे विदाउट टेकिंग एनी कंसेंट फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स। ओके, जितने भी जो प्रिजनर्स थे उनसे कोई कंसेंट नहीं लिया जा रहा था कि आप पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं था। आपका क्या होता, बस अंधाधुंध तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे थे। तो हुआ क्या, जब ये इंसिडेंट सामने आया फिर कोर्ट में ट्रायल चढ़ा, ठीक है, जिसको डॉक्टर ट्रायल के नाम से जाना जाता है बिकॉज ये ट्रायल डॉक्टर्स पे ही हुआ था क्योंकि उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, 23 डॉक्टर्स आपके उसमें थे। तो जब ये ट्रायल हुआ आपका, ऑब्वियसली सारे डॉक्टर्स, गलत हुआ था, बहुत बड़ा गलत हुआ था। तो हुआ क्या, इसके बाद जाके इस कोड की नीड आई बिकॉज ये जो आपका पूरा इंसिडेंस था, ये ट्रायल जो हुआ था न्यूरेम्बर्ग जर्मनी में हुआ था, दैट्स वाई जो आपका पूरा प्रिंसिपल्स निकाले गए, क्योंकि उसी के बाद ये चीज आई रिक्वायरमेंट कि नहीं, जब भी आप इस टाइप के क्लिनिकल ट्रायल या कोई भी टाइप के क्लिनिकल ट्रायल आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके लिए कोई कुछ गाइडलाइंस, कुछ प्रिंसिपल्स का होना जरूरी है,
बिना उन प्रिंसिपल्स के, बिना उन गाइडलाइंस के आप प्रैक्टिकल परफॉर्म या आप क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपका पूरा क्या आया, प्रिंसिपल्स आए, जिन प्रिंसिपल्स टोटल हमारे 10 प्रिंसिपल्स थे आपके न्यूरम्बर्ग कोड में। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे न्यूरम्बर्ग कोड क्यों बोला, क्योंकि ये न्यूरम्बर्ग जर्मनी में आपका ये ट्रायल्स वगैरह हुए थे और वहीं पे ये कोड बने थे, प्रिंसिपल्स आए थे एग्जिस्टेंस में। और ये बात कब की है आपकी, 1945 से 47 के बीच की ही बात है। एग्जैक्टली 1947 में आपका सारे ये प्रिंसिपल, 10 प्रिंसिपल जो मैंने दिए हुए हैं, ये 10 के 10 प्रिंसिपल आपके आए और ये मैंडेट कर दिया गया कि यू हैव टू फॉलो दीज प्रिंसिपल व्हाइल परफॉर्मिंग द क्लिनिकल ट्रायल। ओके, अगर आप कोई भी टाइप की रिसर्च कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस और दीज प्रिंसिपल्स व्हिच आर गिवन इन द न्यूरम्बर्ग कोड। ओके, सो बेसिकली ये तो था पूरा हिस्ट्री कि जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जो बहुत ज्यादा क्रूएल, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में होना चाहिए था, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द प्रिंसिपल। ये जो आपका इंसिडेंस हुआ, इसके बाद जो आपका कोड आया, ठीक है, जो आपका जो भी आपके प्रिंसिपल्स आए, वो 10 प्रिंसिपल्स क्या है, उन्हें कौन कौन से जो आपको क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करते हुए फॉलो करने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज द वॉलेंट्री कॉन्सेंट इज एसेंशियल। वट इज वॉलेंट्री कॉन्सेंट नाउ? वॉलेंट्री कॉन्सेंट मीन्स, वॉलेंट्री मतलब आप अपनी इच्छा से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, स्टडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, बिकॉज क्लिनिकल ट्रायल होना जरूरी है, हमें पता है। अगर कोई आपने नई ड्रग इन्वेंट की है या कोई भी चीज़ नया डिवाइस है, अगर आपको उसकी टेस्टिंग करनी है तो यू हैव टू परफॉर्म क्लिनिकल ट्रायल फॉर इट। बट जो भी पार्टिसिपेंट इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे, दे शुड पार्टिसिपेट ऑन वॉलेंट्री बेसिस। आप उनसे जबरदस्ती पार्टिसिपेट नहीं करा सकते हो, आपके पास उनका वॉलेंट्री कॉन्सेंट होना जरूरी है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एक कॉन्सेंट फॉर्म आता है जिसे हम इन्फॉर्म कॉन्सेंट बोलते हैं, उस फॉर्म को फिल करना होता है, उसमें सिग्नेचर होते हैं। इन केस अगर मान लीजिए कोई पार्टिसिपेंट ऐसा है जो कि क्या है आपका, आप बोल सकते हो जिसकी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज्ड है, लाइक इन केस ऑफ चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन बहुत सी स्टडी ऐसी होती है, सपोज ड्रग है जो बच्चों के लिए यूज होनी है तो ऑब्वियसली उसके ट्रायल बच्चों पे कराने पड़ेंगे, है ना, कोई और चॉइस हमारे पास नहीं है, हम एडल्ट्स में नहीं देख सकते। तो इन दैट केस चिल्ड्रन खुद से अपना कंसेंट नहीं दे सकते हैं, उनके लीगल गार्जियन का कंसेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सिचुएशन है, कुछ आप बोल सकते हो कुछ आपकी स्पेसिफिकेशन है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पहला प्रिंसिपल आपका निकल के आया, दैट द इन्फर्म कंसेंट एंड वॉलेंट्री कंसेंट इज वेरी इसेंशियल, इज मैंडेट। ओके, आपको लेना ही पड़ेगा वॉलेंट्री कंसेंट। और इसका भी एक तरीका होता है कि जब आप कंसेंट लेते हो ना, तो उस फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट तीन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आपको कौन सी ड्रग दी जाएगी, ठीक है, कौन सी ड्रग, उसके साथ क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या एडवर्स इवेंट हो सकते हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन आपने डिलीवर की, देन कॉम्प्रिहेंशन। समटाइम क्या होता है आपका कि जो फॉर्म में इस कि ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है जो आपके पार्टिसिपेंट को समझ में ही नहीं आती है, तो देयर इज नो पॉइंट कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया और आपका काम खत्म हो गया। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, जो सामने वाला बंदा है, जो पार्टिसिपेंट है, उसे वो क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। देन नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रहेंशन, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू आपकी क्या होनी चाहिए, शुड बी कॉम्प्रहेंसिव इनफ, यानी कि आपकी वो आप पूरा अपना मैसेज को कम्युनिकेट कर पाए। एंड द लास्ट थिंग इज द वॉलेंट्री डिसीजन ऑफ पार्टिसिपेंट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर की विद द पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट डिसाइड करेगा कि उसको पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। पार्टिसिपेशन शुड बी वॉलेंट्री इन नेचर। ओके, तो ये तीनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल विच इज वॉलेंट्री कंसेंट। ओके, तो कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेरिमेंटेशन शुड एम एट पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द सोसाइटी। जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, उस
उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसा, और हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अगले एंड में जाके जो सोसाइटी के ही काम आना है, क्योंकि मेडिकेशन पे अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई डिवाइस पे आपका क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिशियरी है वो क्या है, आपकी लार्जर पॉपुलेशन है, सोसाइटी है। तो आप जो वही एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर सकते हो जिसके पास, जिसके बारे में आपके पास प्रॉपर पहले से एविडेंस है, या फिर आपके पास कोई ऐसा जस्टिफिकेशन देने के लिए कोई मतलब रीजन है कि ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये आपका क्लिनिकल ट्रायल बेनिफिशियल होगा फॉर द सोसाइटी इन द लार्ज स्केल, तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड इज द एक्सपेरिमेंटेशन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म शुड बी पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, मतलब आप जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो दिस वॉज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ न्यूरम्बर्ग कोड। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल इज इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। ओके, आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो प्रीवियस नॉलेज, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दिमाग में एक आइडिया आया और आपने सीधे उसे क्या कर दिया, आप क्लिनिकल ट्रायल उसका करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो नाजीज एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से ये कोड एग्जिस्टेंस में आया था, वहां पे यही सिचुएशन थी कि जो भी मन में आ रहा है आप सीधे प्रिजनर्स पे एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हैं, आप एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या इसका कोई रिटर्न आपके पास एविडेंस है, क्या कोई साइंटिफिक आपके पास लिटरेचर है जो आपकी इस स्टडी को सपोर्ट करते हैं, क्या कोई एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन पहले से परफॉर्म हुए हैं, तब जाके आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो जब भी आप ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की सोचते हैं, आप ह्यूमन को एज ए सब्जेक्ट आप यूज करते हैं फॉर द स्टडी, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड आपके पास साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू आपने किया होना चाहिए जिससे आपको पॉजिटिव इंडिकेशन कुछ मिल रही हो, एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन का डाटा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, देन एंड देन यू कैन गो फॉर द ह्यूमन सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, सो दिस वाज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द न्यूरेम्बर्ग कोड। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इट शुड बी अवॉइडेड, एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल सफरिंग। अगर आपके एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन अगर ऐसा है कि जिसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट है उनको अननेसेसरी फिजिकल या मेंटल को सफरिंग हो रही है, आपके एक्सपेरिमेंट का नेचर ही ऐसा है, बिकॉज प्रोटोकॉल डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम एक्सपेरिमेंट कोई परफॉर्म करते हैं, कोई भी ट्रायल परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले प्रोटोकॉल डिजाइन होता है जिसमें सारा हमारा आउट आप बोल सकते हो एक आउट ओवरव्यू होता है कि किस तरीके से हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। देन वो प्रोटोकॉल जो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, हमारी इथिक कमेटी है, वो उसे रिव्यू करती है, और जब वो सेटिस्फाई होती है विद द प्रोटोकॉल, देन ओनली वी कैन स्टार्ट आवर क्लिनिकल ट्रायल और द क्लिनिकल रिसर्च। सो ये पॉइंट जो आपका पॉइंट नंबर फोर्थ है वो यही बोल रहा है कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से आपके जो पार्टिसिपेंट हैं उनको अननेसेसरी, जो रिक्वायर्ड नहीं भी है उसकी वैसी कोई आपकी फिजिकल या मेंटल आपकी सफरिंग होती है, तो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से आप पेशेंट को, जो पार्टिसिपेंट है ऑब्वियसली, उसे कोई भी आपकी फिजिकल और मेंटल सफरिंग नहीं होनी चाहिए अननेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कंडक्टेड इफ देयर इज रिस्क ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी। आप एक्सपेरिमेंट को तब भी परफॉर्म नहीं करेंगे, उस केस में एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट करना ही नहीं है, जब आपकी पार्टिसिपेंट की डेथ होने के चांसेस या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी होने के चांसेस आपके रहते हैं। आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट करने की वजह से आपके पार्टिसिपेंट की डेथ हो सकती है या फिर आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो इन दैट केस आप लोगों को, आपको एक्सपेरिमेंट, आपके क्लिनिकल जो रिसर्च है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दैट वाज द फिफ्थ प्रिंसिपल गिवन इन द न्यूरेम्बर्ग कोड। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस। मीन्स आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसी भी, देखो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट कराते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई रिस्क आपका एसोसिएटेड होता है, बेनिफिट भी है साथ में रिस्क भी है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। बट ये आपके जो रिसर्चर है उसके जजमेंट की बात होती है कि वो ये जज करे कि जो रिसर्च, जो आपके रिसर्च की वजह से जो आपका बेनिफिट है और जो रिस्क है उसका रेशियो क्या है,
ठीक है, अगर आपके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है रिसर्च की वजह से, रिस्क बहुत कम है, तब तो आप स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको पता चल गया कि ये स्टडी करने की वजह से रिस्क ज़्यादा होने वाले हैं, बेनिफिट कम होंगे, ठीक है, तो इन दैट केस आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं या स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिस्क बेनिफिट एनालिसिस रेशियो, जिसमें हम पता लगाते हैं कि इस स्टडी की वजह से कितना रिस्क होने वाला है, कितना बेनिफिट होने वाला है। हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि जो बेनिफिट्स हैं वो हमेशा रिस्क को ओवरवे करने चाहिए, उससे ज़्यादा होने चाहिए, देन ओनली वी कैन स्टार्ट और वी कैन कंटिन्यू विद आर स्टडी। ओके, सो दिस वॉज द सिक्स पॉइंट, एंड द सेवेंथ पॉइंट इज फैसिलिटीज एंड द प्रिपरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड दैट प्रोटेक्ट सब्जेक्ट अगेंस्ट एक्सपेरिमेंटल रिस्क। ओके, अब क्या है कि जब हमारा एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो ऑब्वियसली हमें पता है, जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में ही आपको पता लग गया कि ये रिस्क ये रहेगा। कभी कभी ड्यूरिंग स्टडी हमें तैयार रहना पड़ता है कि स्टडी के बीच में भी, दौरान भी, अगर कोई ऐसा रिस्क आपके सामने आता है जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो आपके पास, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप रिसर्च कंडक्ट कराने जा रहे हैं, वहाँ पे आपका प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल है, ये भी दिमाग में रखना है कि आपको ऐसे भगवान भरोसे नहीं रहना है कि भाई अगर कोई रिस्क हुआ तो तब हम डील कर लेंगे। तो आपको प्रिपेयर रहना है, यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू शुड हैव द फैसिलिटी, ठीक है, कि आप उस रिस्क के साथ जो आपका अराइज हुआ है उसके साथ डील कर सके, ठीक है। सो दिस वॉज द सेवन पॉइंट and the seventh principle given in the Nuremberg Code. Now the next principle is principle number 8. Staff should be competent. Staff should be competent means जो भी आपका staff, आपका clinical trial, clinical research में involved है, वो competent होना चाहिए, means वो qualified होना चाहिए, जो भी qualification required है वो qualification उनके पास होनी चाहिए, plus ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन सम केसेस कभी क्या होता है, देखो फर्स्ट चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि हम बोलें कि बस ट्रेंड इंडिविजुअली होने चाहिए। सो अगर आपके रिसर्च में ऐसा है जो स्टाफ है ट्रेंड नहीं भी है, तो उनका जो सुपरविजन होना चाहिए ना, वो ट्रेंड प्रोफेशनल के थ्रू होना चाहिए। सो दिस इज द मेन मैंडेट कि आपका जो स्टाफ है वो आपका कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। अगर सारे स्टाफ ट्रेंड नहीं भी हैं, तो जो सुपरविजन होना चाहिए वो हमारा हमेशा ट्रेंड प्रोफेशनल्स के अंडर होना चाहिए। सो दिस वाज द एट्थ प्रिंसिपल ऑफ न्यूरम्बर्ग कोड। नाउ द नाइन्थ प्रिंसिपल वाज द पार्टिसिपेंट कैन विड्रॉ फ्रॉम द स्टडी एनी टाइम। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट स्टडी में इन्वॉल्व है, जो भी आपके रिसर्च चल रही है वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं रिसर्च में, तो वो किसी भी टाइम स्टडी से विड्रॉ कर सकते हैं। अगर वो अपने आप में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या उनकी कोई भी दिक्कत आ गई, हर टाइप की दिक्कत यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो, तो ये पार्टिसिपेंट के पास राइट होता है। इसीलिए बहुत क्लिनिकल ट्रायल बहुत टाइम फेल हो जाते हैं, आधे में ही डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, रीजन क्योंकि पार्टिसिपेंट का जो अडहेरेंस होता है ना विद द ट्रीटमेंट, वो बहुत ज्यादा आपका क्या है, आप बोल सकते हो कॉन्फ्लिक्टिंग है, बिकॉज पार्टिसिपेंट के पास अपना राइट है और होना भी चाहिए कि अगर आप किसी रिसर्च स्टडी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और बीच में अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है, आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो पार्टिसिपेंट के पास पूरा राइट होगा कि वो कभी भी अपनी जो रिसर्च चल रही है उससे अपने को विड्रॉ कर सकता है। तो दिस इज अगेन, ये आपका क्या है, एक आप बोल सकते हो ऑटोनॉमी है पार्टिसिपेंट के पास कि अपना डिसीजन वो खुद से ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ न्यूरम्बर्ग कोड इज स्टाफ कैन डिसकंटिन्यू द स्टडी एनी टाइम। जो स्टाफ है, जो आपका रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं, जो रिसर्चर्स हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके पास भी ये राइट होता है कि अगर ड्यूरिंग द स्टडी उन्हें बीच में ऐसा लग रहा है कि ये स्टडी फर्दर कंटिन्यू करने की वजह से कोई आपका डैमेज हो सकता है, हेल्थ जो पार्टिसिपेंट की है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, या कुछ भी अगर उन्हें डाउट, 1% भी डाउट होता है, तो उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। प्लस उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कभी भी स्टडी को आपका टर्मिनेट कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल गिवन इन द न्यूरम्बर्ग कोड, जिन्हें हमें फॉलो करना होता है जब भी हम क्लिनिकल रिसर्च को कंडक्ट कराते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो ये तो था आपका न्यूरम्बर्ग कोड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसकी नीड कहाँ से अराइज हुई और किस तरीके के प्रिंसिपल इस कोड में दिए गए थे। ये 10 प्रिंसिपल थे। ऑब्वियसली जितने भी ये देखने, अभी आपका न्यूरम्बर्ग कोड हमने पढ़ा, इसके कुछ टाइम बाद 1964 में आपका डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी आया, अगेन वो भी आपका क्लिनिकल रिसर्च के प्रिंसिपल ही देता है, गाइडलाइन ही देता है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे क्या होता है, ऑब्वियसली हमेशा रूम रहता है
फॉर द मॉडिफिकेशन. न्यूरेम्बर्ग कोड में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक कवर हुई नहीं है, केवल 10 प्रिंसिपल दिए गए हैं. तो अब इनमें भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होते रहे, नए नए कोड नए नए प्रिंसिपल्स आते रहे. तो इस तरीके से हमारी हिस्ट्री है पूरी क्लिनिकल रिसर्च की, आपके एथिक्स की हिस्ट्री है. सो आई होप ये आपको प्रॉपर आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरेम्बर्ग कोड क्या है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, जो इसी तरीके का एक आपका गाइडलाइन है, एक आप बोल सकते हो एक रिपोर्ट है जिसमें सारी गाइडलाइंस गिवेन है. कुछ ऐसी ही हैं, कुछ इसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी. तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी. थैंक यू सो मच.